अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू बैच एप्टीट्यूड का, जो न्यू बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपके न्यू बैच कैसे स्टार्ट होते हैं, न्यू बैच के अंदर क्या चीज होती है, उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में एक तो उसको डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर काफी सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि सर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है या फिर एप्टीट्यूड के टेस्ट कब होते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर मैं नर्स को टारगेट कर रहा हूं तो नेट वन की तैयारी आप पूरी कवर करवाएंगे, नेट टू की करवाएंगे, नेट थ्री की करवाएंगे, नेट फोर की करवाएंगे, या काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एमटी गेट का टेस्ट कब है, एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब है। अक्सर पेरेंट्स को या फिर आपके बड़े बहन भाइयों ने जो कि एनईडी का टेस्ट दिया होता है तो उनको लगता है कि शायद इंटर के एग्जाम्स के बाद एनईडी का एग्जाम होगा। ये इंतहाई गलत नॉलेज है बेटा, इसको भी सही करना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस का ही इल्म नहीं होता कि भाई इतना जरूरी क्यों है एप्टीट्यूड की तैयारी करना, क्यों एप्टीट्यूड की तैयारी करना कंपलसरी है आज के जमाने में। सो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेल्फ। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम ज़िया, आई एम अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल एज वेल एज एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स टीचर। चूंकि आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो मैं आपको बहुत डिटेल में दो चीजें गाइड कर देता हूं। बेटा देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को जब टारगेट करते हो, इधर आप ए लेवल से बिलोंग करते हो, इधर आप एफएससी से बिलोंग करते हो, इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हो, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हो, चाहे वो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी लम्स हो या नस्ट हो या फिर एमडी कैट की मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर आपके पास सिंध के अंदर बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटी, आपके पास मैरान यूनिवर्सिटी या फिर एनडी यूनिवर्सिटी आ जाए या फिर पाकिस्तान के अंदर सीएस की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी हो या जीआईकेआई हो, कहने का मकसद यह है कि भाई आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज को जब टारगेट करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो याद रखिएगा इन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जो कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज का अपना टेस्ट होता है। सही है ना? आप अगर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नस का टेस्ट डिफरेंट होता है, एनईडी का टेस्ट डिफरेंट होता है, फास्ट का टेस्ट डिफरेंट होता है, यूईटी का टेस्ट डिफरेंट होता है, कॉमसेट्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। इसके अलावा एक जनरलाइज्ड टेस्ट भी होता है जो कि एनटीएस का टेस्ट कहलाता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का, मगर वो कुछ यूनिवर्सिटीज खाली एक्सेप्ट करती हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए टेस्ट डिफरेंट है, सिंध के मेडिकल कॉलेजेस के लिए टेस्ट डिफरेंट है, हमारे पास जो नम्स का टेस्ट होता है बेटा वो डिफरेंट होता है, एम्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। देखो सबसे बुनियादी बात जो आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हो, उसमें जाने की ख्वाहिश रखते हो, उसके बारे में पहले एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी टेस्ट डेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अपनी बात के आगाज के अंदर ही मैं आपको यूनिवर्सिटीज की टेस्ट डेट बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नस का टेस्ट होता है साल में चार दफा होता है, नस का एक टेस्ट होता है दिसंबर के अंदर, आप अगर भी बैच के अंदर आओगे तो आपकी उस नेट की तैयारी भी होगी। एक साल में नस का टेस्ट होता है दिसंबर के अंदर, फिर एक आता है आपके पास फरवरी के अंदर, फिर एक आता है आपके पास मई के अंदर, फिर एक आपके पास आता है जून जुलाई के अंदर। नस के साल में चार दफा टेस्ट होते हैं, दो टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद में होते हैं, बाकी के रिमेनिंग जो दो टेस्ट होते हैं यानी कि नेट वन और नेट थ्री सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, मगर जो नेट टू और नेट फोर होता है वो इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी होता है। इसके अलावा अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो फास्ट का टेस्ट जुलाई के पहले स्टार्ट के अंदर हो जाता है। अब वो बच्चे जो एफएससी के हैं वो बोलेंगे सर हमारा तो जुलाई जून के एंड के अंदर पेपर्स होते हैं, तो भाई पेपर से पहले पढ़ना होता है एप्टीट्यूड के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, आपके पेपर का कोई लिंक नहीं होता आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के साथ, आपके पेपर का कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एनईडी का एग्जाम मई के अंदर हुआ था और जो सेकंड ईयर के लास्ट पेपर था बेटा वो फर्स्ट ऑफ जुलाई को था, तो भाई मई के अंदर जिस बच्चे ने अपनी सीट सिक्योर कर ली थी, जिस बच्चे ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए थे, उसका एनईडी में एडमिशन हो गया। तो भाई किस बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलता है? फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिलता है। या फिर अगर आपने ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, अभी आप ए टू के अंदर हैं, तो बेटा ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। देखो चंद बुनियादी बातों का आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की डेट क्या है। भाई एनईडी की टेस्ट की डेट है मई के अंदर, यानी कि अभी चार महीने के बाद, पांच महीने के बाद मई जो सामने आपके खड़ा हुआ है इसके अंदर एनईडी का राउंड वन होगा। फास्ट का टेस्ट साल में एक ही दफा होता है, सिर्फ एक दफा टेस्ट होता है और वो आपके पास आता है जुलाई के स्टार्ट के अंदर। सिमिलरली आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट साल में तीन दफा होता है, एक दफा फरवरी के अंदर होगा, फिर एक दफा मई के अंदर होगा, फिर एक दफा जून के एंड के अंदर होगा। जीआईकेआई का टेस्ट दो दफा आ रहा होता है आपके पास। इसके अलावा यूईटी का टेस्ट दो दफा होता है, एक मई के अंदर होगा, अगेन मई से बल्कि पहले होगा, मार्च के अंदर हुआ था लास्ट टाइम, तो मार्च के अंदर एक यूईटी का टेस्ट होगा, चाहे वो यूईटी लाहौर हो, यूईटी टेक्सिल एंड सो ऑन, और दूसरा टेस्ट आपके पास ये जून के स्टार्ट के अंदर आ गया था पिछले साल। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट का आपको आइडिया होना चाहिए। वाइल एमडी कैट का जो टेस्ट होता है बेटा मेडिकल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट,
वो आपके पास होता है सितंबर के अंदर। तो इस बैच के अंदर आपको सितंबर तक पढ़ाया जाएगा, ऑल्दो आपको कोर्स पहले कवर हो जाएगा, बट जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एमडी कैट के जो आखिर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, जो नम्स को टारगेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उन सब में भी पोजीशन होती है, तो हम आपको उसकी तैयारी भी करवा रहे होंगे। इसी बैच के अंदर आपकी आखिर यूनिवर्सिटी की तैयारी भी होगी, नम्स की तैयारी भी होगी, एक्यू की तैयारी भी होगी। इसके अलावा अगर आप और मेडिकल सेक्टर की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, जैसे कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस है, नर्स का अपना एमबीबीएस का प्रोग्राम है, उसकी तैयारी भी शामिल होती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये सारी की सारी बातें तो बड़ी बुनियादी सी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है सर प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा देखो प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई अगर आप तैयारी नहीं करोगे एप्टीट्यूड की तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हासिल कर सकते। आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो अपने इंटर के अंदर, अपने ए लेवल्स के अंदर, अगर आपने एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो भाई आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप एप्टीट्यूड के टेस्ट को क्लियर कर सको। याद रखिएगा आपके एफएससी के पेपर होते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एफएससी के अंदर आप किसी ना किसी कोचिंग के अंदर, किसी ना किसी ट्यूशन वाले अंकल आंटी के पास आप जा रहे हो, वो आपकी तैयारी साथ साथ चल रही है। एप्टीट्यूड का सिलेबस एंटायरली डिफरेंट होता है। एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, एप्टीट्यूड के अंदर ना सिर्फ एफएससी का कोर्स कॉन्टेंट होता है इंटरमीडिएट का, बल्कि साथ साथ ए लेवल्स का भी कोर्स कॉन्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एग्जाम्पल कि भाई फॉर एग्जाम्पल आईबीए का अगर सीएस की मैं बात करूं या आईबीए की बीबीए की बात करूं, वहां पर ए लेवल्स के बच्चे को बड़ी आसानी होती है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वाली बात है, वर्ड प्रॉब्लम्स ओ लेवल्स के अंदर डी1 डी2 की किताबें के अंदर बच्चों ने बहुत पढ़े हुए हैं, तो वहां पे ए लेवल्स का बच्चा जरा एक्सेल कर रहा होता है। कहां पे आईबीए या लम्स के अंदर या डिजिटल सेट के अंदर, क्योंकि वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन है, वर्ड प्रॉब्लम्स का पोर्शन ए लेवल्स के बच्चे का स्ट्रांग है। मगर उसी आईबीए के टेस्ट के अंदर आपके पास जब एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है तो ए लेवल्स का बच्चा घबरा जाता है कि सर हमने तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ा ही नहीं था, सर हमने तो मैट्रिसेस पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वो तमाम बोर्ड से मिलकर फॉर्म होता है। अक्सर लोगों के जहनों में गलतफहमी होती है कि सिंध बोर्ड का शायद कोर्स कंटेंट होगा खाली, या बलूचिस्तान बोर्ड का होगा, या पंजाब बोर्ड का होगा। नहीं बेटा, नस का जो सिलेबस है उसमें तमाम बोर्ड से मिलकर आता है, और जाहिर सी बात है जो डिटेल कोर्स कंटेंट है पंजाब का है, और सिंध की अब नई किताबें जब आई थी तो उसके अंदर भी अच्छा खासा कोर्स कंटेंट ऐड हुआ हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हम कंबाइंड सिलेबस इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जब तैयारी कर रहे हो आपके लिए चुटकी बजाने का काम हो जाए। तो भाई हमारा इसमें किरदार क्या होता है, हमारा किरदार ये होता है कि बेटा नस के अंदर हमारी पोजीशन है, हमारा किरदार ये होता है कि यूटी के अंदर हमारे 300 प्लस का स्कोर है बच्चों की, हमारा किरदार ये होता है कि हर साल जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर हमारी पोजीशन है, हमारा किरदार ये होता है कि आईबीसीएस की दफा की जो पहली पोजीशन थी वो हाजिर की थी जो मेरा स्टूडेंट है, हमारा किरदार ये होता है कि बेटा हमारी एनईडी के अंदर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होती है। इस साल दो पोजीशन थी मेरे पास एनईडी के अंदर, एक थी रमीश कामरान की, एक थी सिराजुल हक की। इसके अलावा एनईडी के अंदर 40 से ज्यादा बच्चों के 90 प्लस मार्क्स मेरे स्टूडेंट्स के थे। मैरान यूनिवर्सिटी के हर बोर्ड के अंदर, मैरान यूनिवर्सिटी की हर कैटेगरी के अंदर, चाहे वो हैदराबाद की कैटेगरी थी, चाहे वो सिंध रूरल की कैटेगरी थी, चाहे वो जामशोरू की कैटेगरी थी, चाहे वो आपके पास कोई भी इंटीरियर सिंध की कैटेगरी थी, मैरान की उसमें पोजीशन थी मेरे पास। आप जाके मेरे पेज के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं उसको। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन है मेरे पास, मेरे पास पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन है। अभी एमडी कैट का रिजल्ट आया, मोर देन 15 स्टूडेंट्स ने हमारे 190 प्लस का मार्क्स स्कोर करें, मोर देन 15 के, इट इज अ ह्यूज नंबर। तो कहने का मकसद यह है कि भाई आपको किसी बेकार घटिया कोचिंग सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाने की जरूरत है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा अपने वालदैन के जो इतने मेहनत से कमाए गए पैसे हैं ना, वो 50,000 रुपए 60,000 रुपए किसी बेकार कोचिंग सेंटर को आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई जब घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो तो क्यों अपने आप को फजूल की टेंशन दे रहे हो, क्यों आप उस चीज के ऊपर जा रहे हो जो कोचिंग वाले आपको प्रॉमिस करते हैं वो देते भी नहीं है। तो बेटा अब देखो हमारा इसमें किरदार क्या होता है, हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा देखो हम आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास नस के बैच के लिए आते हो तो नस के बैच के अंदर आपकी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री या कंप्यूटर की, इंग्लिश की, आईक्यू की सबकी तैयारी शामिल होगी। आप एनईडी के बैच में आते हो तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आप एमडी कैट के बैच में आते हो, आप आखिर यूनिवर्सिटी के बैच में आते हो, आप नम्स के बैच में आते हो, आपके मेडिकल के तमाम सब्जेक्ट, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आईक्यू हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, बेसिक मैथ्स हो, वो तमाम चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। पास तमाम के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो प्री मेडिकल का बोर्ड हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का बोर्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेस का बोर्ड हो, यानी कि जनरल साइंसेस का। और इस पर्टिकुलर फीस के अंदर जो हमारी इंतहाई मुनासिब होती है, इसके अंदर आपकी हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं करवाते, आप किसी भी महंगे या बेकार कोचिंग सेंटर के अंदर जाते हो वो आपसे नस्ट और फास्ट के बैच की फीस लेंगे 60,000 रुपए, उनके ऑनलाइन बैचेस की फीस भी 40,000 रुपए होती है, और आपसे क्या बोलेंगे कि भाई ये नस्ट और फास्ट का बैच है। जबकि जब मेरे पास बच्चा आता है तो उस पर्टिकुलर फीस के अंदर हम ना सिर्फ उसकी नर्स की, फास्ट की, एनईडी की, यूईटी की, कॉन्सेट्स की, प्यास की, हम उसकी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाते हैं। इसके अलावा एनटीएस, एनटीएस क्या होता है, एनटीएस के मायने नेशनल टेस्टिंग सर्विस। एनटीएस का टेस्ट हर महीने होता है, हम बच्चों से लाजमी तौर पे कहते हैं हम एनटीएस का टेस्ट दें, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल है, सिर्फ पाकिस्तान में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उनमें से फास्ट
और आपके पास कॉमसेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ढंग की अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पे एनटीएस का स्कोर एक्सेप्टेबल है, तो हम हमेशा बच्चे से कहते हैं कि भाई एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। तो कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे आपकी पर्टिकुलरली कैरियर बिल्डिंग हो, उसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा फोकस होता है। देखो भाई, किसी भी आप कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे ना, क्या चीज मुझमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मुझमें खास है जो किसी और कोचिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगी, व्हाई नॉट टू चूज एनी अदर इंस्टीट्यूट, क्या रीजन है कि आप किसी और इंस्टीट्यूट पे नहीं जाना चाहोगे। बेटा देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना, वहां पे इंस्टीट्यूट का मालिक बैठ के आपको नहीं पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर बैचेस के अंदर मैं खुद बैठ के पढ़ाता हूँ, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर मेरा अपना कैरियर सप्लाई चेन साइड के ऊपर, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, एमएनसीज के अंदर रहा है, तो मैं बच्चों को वो कैरियर पाथ बताता हूँ कि बेटा देखो तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे, लाइव, ये नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पकड़ा दिए, ये नहीं कि आपको किसी रिकॉर्डिंग्स पकड़ा दी 22,000 रुपए के अंदर, रिकॉर्डिंग आपको पढ़ा दी कि भाई मेरे पास आ रहे हो 22,000 रुपए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बैच के, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल टीचर्स, वो प्रोफेशनल टीचर जो 8-8 साल से उस फील्ड के अंदर बैठे हुए, 10-10 साल से उस फील्ड के अंदर बैठे हुए, उन बच्चों को अपने एक्सेल करवाते रहे, वो खुद बैठ के आपको पढ़ाएंगे, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर मैं अक्सर एक जुमला सुनता हूं कि भाई सर वो हम महंगे कोचिंग सेंटर में क्यों ना जाएं, सर वो बेकार किस्म के कोचिंग सेंटर में क्यों ना जाएं जो 60,000 रुपए ले रहे हैं। देखो मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ, मनी इज नेवर द प्रॉब्लम, यानी कि भाई हो सकता है आप में से मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस बहुत ज्यादा अमीर भी हो सकती है, कोई मसले की बात नहीं है, मिडिल क्लास लोग भी हो सकते हैं, मगर देखो आप दो चीजों पे फोकस करो। पहले नंबर के ऊपर आप किसी भी जब इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करते हो हमेशा देखो उनकी फैकल्टी कौन है, दूसरे नंबर पे देखो उनकी अचीवमेंट क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पोजीशंस मेरे पास है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनईडी के अंदर मेरे पास है, 1,267 इस दफा का स्कोर था मेरे पास एनईडी का। मेहरान के अंदर मोर देन 800 स्टूडेंट्स मेरे गए इस दफा, आप सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान में हुआ। नस के अंदर मोर देन 300 स्टूडेंट्स गए, जीआईकेआई के अंदर गए, लम्स के अंदर गए, आईबीए के अंदर गए, आईबीए की पहली पोजीशन हाजिक की मेरे पास है, आप आईबीए राउंड 2 का स्कोर निकालोगे हाजिक जावेद का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा आईबीएससीएस के अंदर। तो कहने का मकसद क्या है, अब किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हो, खुदारा उनकी बिल्डिंग को देख के मुतासर होने की जरूरत नहीं है बेटा, वो बिल्डिंग आपको एडमिशन नहीं दिलाएगी। आपको बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वाले आपको किस तरीके से बेवकूफ बना रहे होते हैं, आपको कह देंगे भाई हमारी बिल्डिंग अच्छी है, आपको कह देंगे हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, भाई बिल्डिंग का आपने अचार नहीं डालना, बिल्डिंग में बैठ के भी आपने तैयारी ही करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखा था, आपकी टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड के अंदर करना क्या है, एप्टीट्यूड के अंदर एक गिवन टाइम है, फॉर एग्जांपल नस का जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है, उसमें 200 एमसीक्यूज हैं। अब आपको ये बात कैसे मालूम हो कि 180 मिनट के अंदर आपने किस तरीके से 200 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 3 घंटे का मतलब क्या होता है, बेसिक मैथ से बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में यू नीड टू कवर 200 एमसीक्यूज। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपको एक टीचर ही सिखा सकता है जिसने या तो खुद वो टेस्ट दिया हो या उसने बेतहाशा हमें बच्चों को भेजा हो और उसकी तैयारी करवाने के लिए कैरियर काउंसलिंग उसके बाद आती हो। तो भाई कहने का मकसद क्या है, एनईडी का टेस्ट है 120 मिनट का, 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, मगर एनईडी साइट के ऊपर ट्रिक्स डिफरेंट है, नस साइट के ऊपर खास बातें डिफरेंट है। अब जो बच्चा ए लेवल्स का है उसने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, नस के अंदर बेतहाशा आएगा, एनईडी के अंदर बेतहाशा आएगा। जो बच्चा ए लेवल्स का है वो एमडी कैट में अगर अप्लाई कर रहा है, किस तरीके से क्या ट्रिक्स होती है वहां पे, तो वो सारी की सारी चीजें हम अपने शागिर्दों को सिखा रहे होते हैं। तो बेटा देखो, आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज करते हो, एक रीजन तो ये होता है कि भाई पैसे वो बहुत ज्यादा फजूल के आपसे लेंगे, भाई इतने ज्यादा पैसे के अंदर मैं 10-50 बच्चों को पढ़ा देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे की वहां पे कॉज इतनी है। दूसरे नंबर के ऊपर टाइम, देखो टाइम इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। हो सकता है पैसों का इशू 4 बच्चों को 10 को ना हो सकता है भाई आपके वालदे इतने पैसे कमाते होंगे वो 60,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो किसी बेकार कोचिंग सेंटर के, मगर पॉइंट यहां पे पैसे का नहीं है, आपकी जो असल कॉस्ट है ना वो आपका टाइम है। इस बात को समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि बेकार कोचिंग सेंटर्स के अंदर सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक की क्लासेस है, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक की सैटरडे वाले दिन क्लास है या संडे वाले दिन की क्लास है, 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास है। सुबह 9 बजे अगर किसी बच्चे की क्लास है, जाहिर सी बात है सुबह 9 बजे तुम नहीं उठेगा, वो कम से कम घर पे अपने 7 बजे उठेगा, 6:30 बजे उठेगा, उसके बाद वो तैयारी करेगा, नाश्ता करेगा, फिर चिंची रिक्शा गाड़ी जो भी पकड़ के वो कोचिंग सेंटर जाएगा। इस बात को समझो कि अब वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लेक्चर को ले रहा है, वो एक लेक्चर को सिर्फ ले रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहा, याद रखिएगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक क्लास हुई, 12 से 3 एक क्लास हुई, उसने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को अभी लिया है। अब वो जब वो घर आएगा 3 बजे जब उसका ऑफ होगा, वो घर आने के लिए अगेन किसी बस चिंची रिक्शा गाड़ी से वापस घर पे आएगा, 10-15-20 मिनट जो भी बचते हैं वो लगाएगा, उसके बाद वो अपने एफएससी के या ए लेवल्स के इंस्टीट्यूट के अंदर भी जाएगा। अब आप मुझे बताइए उसके पास क्या टाइम बचा पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ सकता। याद रखिएगा, मेरे पास मेजोरिटी बच्चा अपने पैसे जाया करवाने के बाद आता है कि सर वो हमारा कोचिंग सेंटर के अंदर
पढ़ाई तो हो नहीं रही है सर, वो खाली लोग वहां पे तफरी करने के लिए आ रहे होते हैं सर, वो हमें समझ में तो नहीं आ रहा क्योंकि सर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की क्लासेस हैं। मतलब ऐसा भी जुल्म ये लोग इंस्टीट्यूट वाले कर रहे होते हैं कि बेटा 9-9 घंटे की क्लासेस लगाई हुई होती है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके साथ नाइंसाफी है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा आप अगर अपने घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो तो अपने माँ बाप के 60,000 रुपए क्यों जाया कर रहे हो, जब घर पे बैठ के आपको बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम मिल रहा है, जब आपको घर पे बैठ के बेहतरीन लाइव क्लासेस मिल रही है। भाई ये वही इंस्टीट्यूट है जो आज से कुछ साल कबल तक और आज भी मेरे पास महीने की लाखों की ऑफर है। सर बिलाल जिया वो इंसान है जिन्होंने फिजिक्स की किताबें लिखी हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, सही है ना। मेरे पास आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंक चेक्स की ऑफर है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की तरफ से, क्या आप हमारे लिए आगे पढ़ाएं या हमारी शर्ट पहन के पढ़ाएं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी ओनली वर्क फॉर आवर ओन प्लेटफॉर्म। कहने का मकसद ये कि भाई आप जब उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हो वहां पे स्टार्टिंग के बैचेस के अंदर टीचर डिफरेंट होता है, एंडिंग के बैच का टीचर डिफरेंट होता है, तो स्टार्टिंग के बैच का जो बंदा है क्या उसने 60,000 रुपए दिए हैं, जो एंडिंग के बैच का बंदा है उसने भी 60,000 रुपए दिए हैं, मगर चूंकि कैपेसिटी कम होती है तो स्टार्टिंग के बच्चे को क्या करते हैं भैया अच्छा टीचर दे दिया, एंडिंग के बंदे को खराब टीचर दे दिया, या फिर बहुत दफा शफलिंग कर देते हैं बच्चों की। तो भाई ये आपके लिए नुकसानदेह चीज है। सेकेंड नंबर के ऊपर टाइम, देखो बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार आपके हफ्ते के जो 5 दिन है ये तो आपके अपने इंटर या ए लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जो बच्चा इंप्रूवर का है उसको मैं अलग से गाइड करता हूं अभी, जो बच्चा अभी इंटर के अंदर मौजूद है या ए लेवल्स के अंदर मौजूद है तो भाई हफ्ते के 5 दिन तो आप किसी ना किसी कोचिंग को किसी ना किसी कॉलेज को दे रहे हो ना। सुबह में कॉलेज जाते हो कि भैरिया जा रहे हो, पीजीसी जा रहे हो, स्टेप्स कॉलेज जा रहे हो, किसी भी कॉलेज जा रहे हो, एक्सवाईजी देयर लॉट ऑफ कॉलेजेस, या आप शाम में किसी कोचिंग में जा रहे हो हफ्ते के 5 दिन। तो बेटा ये जो हफ्ते के 2 दिन है हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे स्टार्टिंग के जो बैचेस हो वहां पे क्लासेस क्या हो सिर्फ 2 दिन हो। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि भाई हमने क्लासेस की टाइमिंग ऐसे रखी हुई है कि हर बच्चा उससे मुस्तफीद हो सके, कि क्लासेस की टाइमिंग मैंने जब 2 दिन रखी है तो उसके पीछे लॉजिक ही यही है कि भाई ताकि मेजोरिटी बच्चा मेरी क्लासेस को ले सके। मेजोरिटी बच्चों को बात समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, मई के अंदर एनईडी का टेस्ट है, आपके पास आईबीए का जो पहला टेस्ट आएगा फरवरी के अंदर आएगा, आईबीए का राउंड 1 फरवरी में होता है, राउंड 2 जुलाई के पहले वीक के अंदर होता है, जुलाई के पहले संडे को होता है, हर साल से उनका एक वो है, आप आईबीए की वेबसाइट पे चेक करोगे शेड्यूल भी आ जाएगा, सही है ना। सिमिलरली नस का नेट 1 दिसंबर के अंदर है। तो याद रखिएगा हमारी कोशिश ये होती है कि भाई बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। अब एक बच्चा भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है, देखो सेकंड ईयर सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड ईयर के अंदर जिस भी कोचिंग में जा रहे हो उसको साथ साथ कवर करो, डेट्स ऑल। सेकंड ईयर को इतना ज़हन में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन आपके फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा, आपका एडमिशन आपके ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको मेजॉरिटी टाइम अपने एप्टीट्यूड को देना है, हफ्ते के 2 दिन एप्टीट्यूड को स्टार्टिंग के अंदर लाजमी तौर पर दो। अच्छा फायदा क्या होता है, अब अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अर्ली प्रेप की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई अर्ली बैचेस, अर्ली बैच लॉन्च करने की रीजन क्या है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर फास्ट का टेस्ट तो जून के एंड के अंदर होगा, तो सर अगर मैं जनवरी से आ जाऊं, या सर वो हमारे अभी इंटर के जो है ना इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं उसके बाद में आ जाऊं, तो बेटा देखो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझो कि मेरा तो उसमें ज्यादा फायदा होगा कि मेरे पास अगर फरवरी के अंदर कोई बैच स्टार्ट होता है बच्चा उसमें भी आके मुझे उतने ही पैसे देगा, जो बहुत कम मेरी फीस होती है पूरे साल की, आपको यकीन नहीं आएगा जब मैं फीस बताऊंगा और इतने एक्सपीरियंस टीचर के साथ जब मैं आपको बताऊंगा ना आप बोलोगे सर वो फलाना कोचिंग सेंटर 60,000 रुपए ले रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्यों आपके साथ नाइंसाफी करते हैं, जुल्म करते हैं बच्चे के ऊपर, हम लोग वो नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई मेरे पास जो बच्चा आता है वो कहता है सर अगर मैं फरवरी के बैच में आ जाऊं तो मेरा क्या फायदा है, या आपका फायदा है, बेटा उसमें मेरा फायदा है क्योंकि देखो फरवरी में जो बैच लॉन्च हो रहा है ना उसके अंदर फरवरी से लेके मुझे जून में पूरा कोर्स कवर करवाना है, या फरवरी से लेके मई के अंदर मुझे पूरा कोर्स कवर करवाना है, यानी कि 3 महीने के अंदर मुझे पूरा कोर्स खींचना है, वहां पे 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स मुझे बच्चों को समझाना भी है, पढ़ाना भी है, प्रैक्टिस भी करवानी है, टेस्ट भी लेने हैं, एफर्ट्स भी मारने हैं, क्वेरी सेशन भी करने हैं, वहां पे देखो सिर्फ 3 महीने का जूस है। यहां पे देखो अगर मैं अगस्त से अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां पे बच्चे के पास मैक्सिमम टाइम है, अगर मैं अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां पे मैं जितने डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितने लार्ज क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, जितने खास तरीन पास पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ऐसा और कहीं नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि बेटा ये जो मैं क्लास के अंदर लेक्चर्स कवर करवाता हूं या जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी रीसेंट पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर वो आपकी लाइव क्लासेस के अंदर क्या डिफरेंस है और यूट्यूब की वीडियो में क्या डिफरेंस है। मैं ओपनली कहता हूं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कि बेटा मेरा जो YouTube का कोर्स कंटेंट है ना वो भी करोड़ों रुपए का है, मुझे बहुत दफा ऑफर हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसकी कुछ वीडियोस हमें भेज दें या हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप रिकॉर्ड करके कोर्स डाल दें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर, बट मैंने हमेशा उसको डिनाई कर दिया। उसके पीछे रीजन है कि मेरा YouTube का कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं वो बेकार है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से बनाया बेटा उसको, पिछले 6 साल में एक ब्रांड एस्टैब्लिश करा उसके जरिए,
मगर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई हो सकता है मेरे यूट्यूब की वीडियोस के अंदर कोई वीडियो 2021 की हो, कोई 2022 की हो, अब कोई पेपर फास्ट के अंदर कोई क्वेश्चन है 2024 के अंदर आया, फास्ट में कोई क्वेश्चन है 2023 के अंदर आया, और वो इतना यूनिक क्वेश्चन है। तो मेरी कोशिश ये होती है जब मैं अपनी मैराथन को कवर करवाता हूँ, जब मैं लेक्चर्स को कवर करवाता हूँ, तो मैं साथ साथ उनको लाजमी तौर पर अपने लेक्चर्स का हिस्सा बनाता हूँ। तो सबसे खास बात हमारी लाइव क्लासेस की, और तो बहुत सारी हैं खास बातें, मगर एक खास बात जो बड़ी मुनफरिद है मैं उसको बच्चों को जरूर बताता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव मिलेंगे, सर बिलाल जिया, सर साद वकार, सर हाशिम जिया एंड सो ऑन। इसके अलावा क्वेरी सेशंस होंगे, इसके अलावा आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी जो बच्चे प्री मेडिकल के, आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास होगी। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो आप 60,000 रुपए देने के बाद भी आपको नहीं अचीव हो पाता, उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हम आपको अपने पास अपने प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा टाइम कंस्ट्रेंट, बेटा ये टाइम जो है ना एप्टीट्यूड का मतलब ही टाइम है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि 200 एमसीक्यू 180 मिनट में करने हैं ना इसके अंदर, सेम गोल्स फॉर दी फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 100 मिनट का टाइम है, 120 एमसीक्यू कवर करने, कैसे करेगा बच्चा, कैसे करेगा भाई? वहां पे बच्चा परेशान हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, अब बच्चे को समझ में नहीं आता। तो भाई उसके फास्ट के जो हार्ड अर्न पेपर्स होते हैं बच्चों को सॉल्व करवाते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी के रियल टाइम पेपर सॉल्व करवाएंगे, एकीयू के पेपर सॉल्व करवा रहे होते हैं। तो देखो टाइम कंस्ट्रेंट का यही से सीखो, टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब ही क्या है, आप अपने घर से 7 बजे निकल रहे हो, शाम के 4 बजे वापस घर में एंटर हो रहे हो, आपके पास हिम्मत क्या बची रिवाइज करने की, आपके पास हिम्मत क्या बची पढ़ने की, आपके पास हिम्मत क्या बची कोर्स की किताबों को उठाने की। तो भाई मैं ये बच्चों से नहीं कहता, मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप किसी भी कोचिंग को अगर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप देखो क्या आपको टाइम मैनेजेबल होगा, कैसे क्या। लेट सपोज आपका शाम 5 से लेकर 8 बजे तक का कोचिंग है, अब आप सुबह के टाइम पे एप्टीट्यूड की किसी से क्लासेस ले रहे हो कहीं पे जाके, तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की अगर वहां पे क्लासेस हैं, तो बेटा सुबह 7 बजे आप उठ रहे हो, 8 बजे आप उठ रहे हो, फिर खाना पीना कुछ ना कुछ खा के जाओगे जाहिर सी बात है, फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की अगर आप क्लासेस ले रहे हो, फिर वहां से जब वापस निकलोगे फिर अपने कोचिंग भी जाना है, फिर यहां पे भागम दौड़ भी करनी है, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 1 सेकंड का टाइम भी नहीं बचेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जब आप वापस अपने कोचिंग सेंटर से आओगे ना, तो आपका दिल सिर्फ सोने का जाएगा, रेस्ट करने का चाहेगा, तो यानी कि आपका वो पूरा दिन जाया हो गया, वो पूरा दिन क्या हो गया, जाया हो गया, क्योंकि आपने उस दिन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को लिया है, लेक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं करी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाने में और दूसरे मैथ्स के टीचर्स के पढ़ाने में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है कि भाई वो नॉर्मली एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो भाई मेरे बच्चे को तो वैसे भी क्लास में प्रैक्टिस हो रही होती है, मैं एक टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चन करवाता हूं, अगर आपने कभी मुझसे पढ़ा हो तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू हैव एवर सीन एनी ऑफ माय वीडियो तो यू नो कि यार मैं किस तरीके से बता रहा हूं, भाई नस के लेक्चर में आया हुआ था, फास्ट में आया हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। कहने का मकसद क्या, कहने का मकसद ये कि भाई आपने सिर्फ लेक्चर को सुना है, यानी कि पूरा दिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। तो भाई हमारे पास ये वाली चीज आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ क्लासेस कैसी होती है, लाइव होती है, ऑनलाइन होती है। अच्छा, मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिजिकल क्यों नहीं करते, भाई फिजिकल का मसला है, फिजिकल का मसला है कि मुझे कतई तौर पर यह प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे खर्च होंगे, नहीं पैसे खर्च करना, फिजिकल इंस्टीट्यूट खोलना आज के जमाने में बहुत आसान है। गुलशन के ऊपर कोई जगह ली, इस्लामाबाद में मैंने कोई जगह परचेस करी या कोई जगह किराए पे ली, बहुत आराम से मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये कि मैं लार्जर ऑडियंस को हमेशा इंटरेक्ट करता हूं। मेरे पास जो बच्चा होता है बेटा कश्मीर का बच्चा भी होता है, मेरे पास कराची के अमीर तरीन घर का बच्चा भी होगा, मेरे पास कराची के सबसे मुतवस्सित तबके का बच्चा भी होगा, मेरे पास कश्मीर का बच्चा भी होगा, मेरे पास बलूचिस्तान का भी होगा, केपीके का भी होगा, मेरे पास पंजाब के हर जिले का बच्चा बैठा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन लोगों को रीच आउट करूं, और सेकेंडली फिजिकल के अंदर मैं अपनी जो मेरी कॉस्ट बेनिफिट है मैं वो बच्चों के लिए नहीं रख पाऊंगा। मैं बच्चों को आज एक बेतहाशा कम अमाउंट के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं अपनी बहुत कम सर्विसेज जो अपनी चार्ज कर रहा हूं, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा मुझे लगता है। दैट्स द रीजन मैं समझता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए ज्यादा मुफीद है, ऑनलाइन आपके लिए हर तरीके से बेहतर है। क्यों बेहतर है मैं उसको भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि मैं आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा हूं जो फिजिकल कोचिंग सेंटर भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी मैं गारंटी आपको देने को तैयार हूं, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों से जो मेरे पुराने शागिर्द हैं वो कमेंट भी करके आपको बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता हमारे पास। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर टॉप पोजीशंस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेसबुक पेज आप गो थ्रू कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज आप गो थ्रू कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब की कम्युनिटी सेशन को आप गो थ्रू कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो टॉप पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। अब आप सोचो, आप खुद सोचो, हो सकता है आपको कोई कोचिंग सेंटर 60,000 रुपए दे के भी शायद ये कुछ प्रोवाइड करने को बोल दे या दावा कर दे कि हमारे पास एप्लीकेशन भी है, हमारे पास ये भी है, हमारा बच्चे ने भी पोजीशन ली थी, हो सकता है कोई कोचिंग सेंटर कर दे। मगर एक बात बताओ,
उस 60,000 रुपए में आपको प्रोवाइड करने को शायद कह रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको उससे उसका अगर आप 100 times भी कम करोगे ना, उससे भी कम करने को मैं आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो टॉप पोजीशन जो हमारे पास आ रही है ना सिर्फ वो एमडीकेट साइट पे मेडिकल साइट के ऊपर है बल्कि प्री इंजीनियरिंग की हर यूनिवर्सिटी के अंदर है। नर्स के अंदर मोर देन 300 एडमिशन का होना, आईआई के अंदर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टॉप पोजीशन होती है, ऐसे बच्चे होते हैं इनको फुली स्कॉलरशिप मिलती है। मैरान यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम जितने भी उनके जिले थे, जितने भी उनके कैटेगरी थी, उन सबके अंदर पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास मैरान में इतनी पोजीशन थी इस दफा कि बा खुदा मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बाकी बच्चों का नाम भी ऐड करता। वो मैंने जब पोस्टर अपना बनवाया ना तो मेरा बच्चों का मैसेज आया, सर मेरी तीसरी पोजीशन थी, मेरा भी नाम डाले। मेरे पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था मैरान साइड से। एनईडी के अंदर आप मेरा सिर्फ फेसबुक पेज जाके देखिएगा, एनईडी के अंदर मोर देन 45-90+ मार्क्स स्कोर है, ये रिकॉर्ड है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोचिंग वाले क्या कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेता, बड़ा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्त ने खैर, तो भाई वो राउंड वन राउंड टू के मिला के मार्क्स डाल रहे हैं, मिला के मार्क्स डाल रहे हैं कि भाई राउंड वन में अगर 390+ थे, राउंड टू में 4 आ गए तो मिला के डालने के लोगों को लगे ज्यादा है। मेरे पास दोनों राउंड्स के मिला के 40+ 90+ स्कोर थे एनईडी के अंदर। एनईडी तो खैर मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कॉमसेट्स के अंदर पहली पोजीशन मेरे शागिर्द की थी, कॉमसेट्स की पहली पोजीशन भी मेरे बच्चे की थी, सही है ना। अच्छा, हमारा शेड्यूल क्या होता है, हमारी क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, जरा इन चीजों को बोथ थ्रू कर लेते हैं कि सर आपकी क्लासेस कैसे होती है। सर आपने इतनी सारी बातें कर ली है, इतनी सारी अपनी बातें कर ली, सर आपकी फीस कोई 10-12 हज़ार रुपए तो होगी, सर आपकी फीस कोई 20 हज़ार रुपए तो कम से कम होगी, आपने इतनी जो बातें करी है ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे फीचर्स क्या होते हैं, हम क्या क्या चीज आपको ऑफर करते हैं और किस तरीके से ऑफर करते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी ना, सारी की सारी क्लासेस हमारी लाइव होंगी। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि प्रॉपरली हमारे एलएमएस पोर्टल्स होते हैं, हमारे क्लासरूम्स बने हुए होते हैं, वहां पे आपके पास प्रॉपरली लिंक अवेलेबल होगा, आपकी जो भी क्लास होगी शेड्यूल के मुताबिक, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो एडवांस इंग्लिश है, चाहे वो आईबीएलएम्स इंग्लिश है, उनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, सही है ना। प्रॉपर लाइव क्लासेस का मतलब है कि हर क्लास लाइव होगी, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिल रही। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा हमारा फीचर कि मैं आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग। आप जब मेरे पास आओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तरीकेकार भी मैं बताऊंगा, उसके बाद जब आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा ना, आपके पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इनफैक्ट मेरे 2023 के कोर्स की, 24 के कोर्स की, सबकी रिकॉर्डिंग होगी। आप अगर कोई टॉपिक खुद से पहले कवर करना चाहते हो, वो भी कवर कर सकते हो। अब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इसको मैंने भी एक्सप्लेन करना है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, सही है ना। अब लेट सपोज कोई बच्चा नेट 1 की तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि सर हाशिम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं, मुझे तो इंटीग्रेशन पढ़नी है, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की फाइल्स अवेलेबल है, हमको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी क्लासेस कैसे होती है, बेटा हमारी लाइव क्लासेस जूम के ऊपर होती है, आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वहां पर मुझसे पूछ सकते हो इजिली, सही है ना। इसके अलावा हमारा जो एलएमएस पोर्टल होता है क्लासरूम के थ्रू, वहां पर हम बच्चों को क्या करते हैं, वहां पर हम बच्चों को तमाम के तमाम कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी कि भाई जो लाइव क्लास आपकी होगी उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, बट इफ देयर इज अ चाइल्ड हु वांट्स टू स्टडी समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि उसको कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है, जो चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसके अलावा पढ़नी है, जो चीज सर प्लान पढ़ा रहे हैं, जो चीज हमारी बेसिक मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा है, या कोई चीज जो इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है उसको अलावा कुछ पढ़ना है, तो उसके बाद कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको पढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर 70,000 रुपए में नहीं देंगे, ये होता है टीपीपी का। टीपीपी स्टैंड फॉर टॉपिकल पास्ट पेपर्स। मैं कोई भी लेक्चर जब बच्चे को पढ़ाता हूं तो उसके बाद मैं उसके टीपीपी की फाइल प्रोवाइड करता हूं विद सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया तो सीक्वेंस सीरीज के टीपीपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये टीपीपी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जुज है जो कि मैं लाजमी तौर पर अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा एक सरप्राइज और है, आजकल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब पर वर्किंग कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला वो मेरे बच्चों को मिल रही होगी। उस किताब के अंदर ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स होंगे बल्कि साथ साथ तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। प्रॉपरली एक एप्टीट्यूड की किताब के ऊपर वर्किंग चल रही है मेरी विद सॉल्यूशन, अपने बच्चों को सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करूंगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, सब मिलेगा। आपको लग रहा होगा फीस शायद मेरे को 20,000 रुपए हो जाएगी, 25,000 रुपए हो जाएगी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बताऊंगा अभी। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको प्रॉपर्ली हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, हर किस्म के प्रैक्टिस मटेरियल आपके एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, इज नथिंग डिफिकल्ट। अच्छा, इसके अलावा आपके हर वीक टेस्ट होते हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टेस्टिंग का, आपके हर वीक टेस्ट होंगे, आपको प्रॉपर्ली टेस्टिंग का टाइम अवेलेबल होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बेसिक मैथ्स हो, चाहे एडवांस मैथ्स हो, चाहे आपके पास इंग्लिश की आईबीएलएमसी क्लासेस हो, उनके हर एक के टेस्ट होंगे, हर वीक टेस्ट होंगे, वोकैब्स के टेस्ट होना, हर चीज के टेस्ट होंगे,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे काम की चीज है। और वो टेस्ट आपको विद सॉल्यूशन भी मिलेंगे और उन टेस्ट की आपको सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो भी मिलेगी, यानी कि जिसके अंदर एक टीचर आपको प्रॉपर्ली ना सिर्फ वो टेस्ट की सॉल्यूशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आया था तो अगर आपने गलती करी है तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसकी पर्टिकुलरली बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्वेरी सेशंस, यानी कि देखो फॉर एग्जांपल हमारी लेट सपोज मैं मेन मैथमेटिक्स का फैकल्टी टीचर हूं, सही है ना, मेरी मैथ्स की क्लास हुई, मैंने बच्चों को मैथ्स का टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई बच्चा है उसको किसी चीज में क्वेरी आ रही है, उसको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे क्वेरी सेशंस होते हैं, वहां पे हमारी मैथ्स के डाउट टीचर्स होते हैं जो कि आपको क्वेरीज को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आपको वहां पे वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि क्वेरी सेशन होंगे, चाहे फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, कंप्यूटर के भी होते हैं, सो ऑन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आपको प्रॉपर्ली मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो एमडी कैट का बच्चा है, सर एमडी कैट का टेस्ट सितंबर में होगा, क्या हम सितंबर तक कोर्स कवर नहीं होगा हमारा? नहीं बेटा, आपका जो बैच नंबर ये 2 है मेरा, इसका कोर्स हम मैक्सिमम फरवरी तक एंड कर देंगे ताकि बच्चे नेट टू नेट वन आराम से दे सके, सही है। अब एक बच्चा है वो एमडी कैट का फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है सर मेरा टेस्ट सितंबर में, नहीं बेटा तो आपका एकेयू का टेस्ट भी तो आ रहा है, नम्स का टेस्ट भी तो आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा जितने ज्यादा आप यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देंगे उसमें आपका फायदा है। मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई 4-5 यूनिवर्सिटी के टेस्ट लाजमी देने, तो भाई आपने एकेयू का नम्स का टेस्ट भी तो आ रहा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई फरवरी तक कोर्स को वाइंड अप करें। उसके बाद क्या होगा, आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड रहोगे, आपकी लाइव क्लासेस फिर भी चल रही होंगी, आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है आपको कंप्लीटली रिवाइज करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा फॉर एग्जांपल एक बच्चा फास्ट की तैयारी कर रहा है, अब फास्ट का टेस्ट होगा जुलाई के अंदर, हम अगर मेरा कोर्स फरवरी में ऐसे एंड हो रहा है तो अब बात को समझिएगा कि सर आपका कोर्स फरवरी में एंड हो रहा है फिर मेरा क्या होगा? बेटा फरवरी में कोर्स एंड हो रहा है, उसके बाद स्टिल मैं आपको दोबारा से चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, आप मेरे जो दूसरे बैचेस होंगे आप उसके अंदर एनरोल्ड होंगे, यानी कि आपने एक टाइम फीस दी थी, वन टाइम आपने फीस दी थी, ये पूरे पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट आपको ऑफर नहीं कर रहा, आपने एक दफा खाली फीस दी थी और उस फीस के ऊपर अगले साल के सितंबर तक आप मौजूद रहोगे, यानी कि सितंबर तक जब तक कि आपके टेस्ट नहीं हो जाते तमाम यूनिवर्सिटीज के, आप उस वक्त तक बैच में रहोगे, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस होगा, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइव क्लासेस का एक्सेस होगा, आप लाइव क्लासेस को ले सकते हो, जो जो मेरी लाइव क्लास चल रही है आपको लगता है कि आपको टॉपिक रिवाइज करना है आप उसको रिवाइज कर सकते हो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है वाली कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही क्या है कि भाई कोर्स ड्यूरेशन, ऑल्दो कोर्स में फरवरी में एंड कर रहा हूं मगर एक बच्चा एनडी के लिए बैठा हुआ है उसको लगता है उसने सीक्वेंस सीरीज सही से नहीं पढ़ा था, किसी वजह से क्लास नहीं ले सका था, वो दोबारा मेरी क्लास को ले सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये, कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता, कोई इंस्टीट्यूट इतनी कम फीस के ऊपर, बल्कि लोग तो क्या कहते हैं बैच खत्म हो गया भागो यहां से, बैच खत्म हो गया आइंदा नहीं आना इंस्टीट्यूट के अंदर, मेरे पास क्या है भाई बैच तुम्हारा सितंबर तक चलेगा, यानी कि जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन नहीं हो जाते उस वक्त तक मेरे पास एनरोल्ड हो, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस मौजूद है, आपके पास लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मौजूद है। रिमेंबर दिस थिंग, कोई बंदा आपको चीज ऑफर नहीं करेगा, मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं। दूसरे नंबर के ऊपर अभी क्वेश्चन आता है, सर हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम नेस्ट सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं बेटा, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मुझसे मैथ्स पढ़ोगे, जो रिसेंट अपडेट आई है उसके मुताबिक वो ये फैसला है कि जो प्री मेडिकल का बच्चा है वो नर्स में सीएस में जाना चाहता है तो उसको प्रॉपर्ली मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तो वो मैथ्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, कोई मसले की बात नहीं, बिल्कुल एनरोल हो सकते हो, आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होंगी वो भी होगा, कोई इशू की बात नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे पास कल एक और अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आया था, सर अगर मैं एनईडी के अंदर सीएस में अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो बेटा एनईडी ने अभी तक अपनी डिसीजन पॉलिसी मेक नहीं करी है कि एनईडी के टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आएगा कि मैथ्स का पोर्शन आएगा, चांसेस है कि एनईडी भी नर्स के बाद अब ये काम कर दे, फास्ट अलाउ नहीं करता प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस के अंदर एडमिशन अनलेस एंटर एडिशनल मैथ्स का एग्जाम ना दे दे, तो चंद बेसिक बातें का ख्याल रखना है। जाहिर सी बात अभी कैरियर काउंसलर में खुद कर रहा हूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आता है शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आपका शेड्यूल क्या होगा? अक्सर बच्चे मुझसे शेड्यूल पूछते हैं, तो बेटा मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता देता हूं जो कि तकरीबन फाइनलाइज ही होता है हमारी तरफ से। देखो बेटा जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं या इंटरमीडिएट के अंदर मौजूद हैं, आपका तैयारी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सर पे खड़े हुए हैं, एनडी का टेस्ट मई के अंदर है, आपके पास मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके सर पे है, नर्स का टेस्ट सर के ऊपर है, फरवरी के अंदर आपके पास आईबीसीएस का टेस्ट आ रहा है, नर्स का नेट 2 जो कराची के अंदर होता है या क्वेटर में गिलगित के अंदर होता है वो भी फरवरी के अंदर मौजूद है आपके पास, इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट आपके पास बड़े करीब हैं। तो बेटा देखो इंटर के साथ ही ए लेवल्स के साथ ही हमेशा एप्टीट्यूड को मैनेज किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि जब आपका इंटर कंप्लीट हो जाए फिर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करो, वो टाइम चले गए जब फाख्ते उड़ाया करते थे ना हमारे बुलबुल साहब, तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अब आप इंटर या ए लेवल्स के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इंटर या ए लेवल्स आपका, ए लेवल्स का भी आपका ये मई जून सीरीज एक आएगी, उसके अलावा भी अक्टूबर नवंबर की सीरीज आपकी आ रही है, सही है ना, तो भाई आपके पास टाइम ही नहीं होगा, कैसे टाइम मैनेज करोगे बाद में।
इंटर के पेपर्स आपके जून के एंड में एंड होंगे, आपके पास तो टेस्ट निकल चुके होंगे मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज के, इसीलिए तैयारी करना साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बच्चे जो इंप्रूवर्स के हैं उनके लिए भी ये कोर्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बेटा आपकी अगर 3 दिन क्लासेस हो रही है, 2 दिन क्लासेस हो रही है, तो आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है, आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है उनकी प्रैक्टिस करने का। आपको तो सबसे ज्यादा फायदा है इस बैच का कि वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवमेंट के हैं, या फिर वो तमाम बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं एमडीकैट को या ईकैट साइट को, तो बेटा आपके पास किस चीज का टाइम है भाई? संडे संडे लाइव क्लासेस अगर आपकी हो रही है तो आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करने का, प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करने का, ज्यादा से ज्यादा टेस्टों को देने का, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को कवर अप करने का। तो आपके पास तो मैक्सिमम टाइम है, आप तो दोनों सूरतों के अंदर फायदे के अंदर हो। इंटर या ए लेवल्स का बच्चा तो वो बच्चा है जिसको साथ में इंटर को भी टाइम देना है, ए लेवल्स को भी टाइम देना है, मगर जो बच्चा रिपीट कर रहा है, जो इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए फायदा ये है कि भाई लाजमी तौर पे आपकी अगर 2 दिन लाइव क्लासेस हो रही है, 3 दिन लाइव क्लासेस हो रही है, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम है टेस्टों को अटेम्प्ट करने का, आपके पास मैक्सिमम टाइम है लेक्चर्स को गो थ्रू करने का, आपके पास मैक्सिमम टाइम है मेरे टीपीवीज को सॉल्व करने का, मेरे प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करने का। तो आपका डबल फायदा है, आपके लिए और ज्यादा बेहतर चीज है ये। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो बेटा देखो, शेड्यूल हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि वो तमाम बच्चे जो शाम में कोचिंग जा रहे हैं या सुबह के टाइम में कॉलेज जा रहे हो तो उनका फायदा हो सके, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा कौन है जो सुबह में कॉलेज जा रहा है या फिर शाम में कोचिंग जा रहा है, सही है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने सैटरडे और संडे वाले दिन क्लासेस की जो टाइमिंग रखी है, जैसे सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन आपके पास 11 बजे तक, सुबह 9 से 11 आपके पास केमिस्ट्री की टाइम है सैटरडे एंड संडे वाले दिन। ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल की मैं प्रॉपर आपके साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो सैटरडे संडे वाले दिन सुबह के औकात में क्या होगी? केमिस्ट्री की क्लास होगी। बट देखो, केमिस्ट्री की क्लास कब है? सुबह 9 से 11 के दरमियान में। अच्छा, इसके बाद आपको हम नॉर्मली हाफ एन आवर का गैप दे रहे होते हैं, और फिर 11:30 से लेके 1 बजे के दरमियान में फिजिक्स की क्लास है। 1 बजे के दरमियान में क्या है? फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स उन बच्चों ने खाली लेनी होती है। केमिस्ट्री तो वो बच्चे लेते हैं जो प्री इंजीनियरिंग के हैं, प्री मेडिकल के हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वो केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, अदरवाइज उनकी कंप्यूटर की क्लास होती है, वो दोपहर में होगी, मैं उसके शेड्यूल भी शेयर करता हूँ, सही है ना? अच्छा, फिजिक्स की क्लास, देखो बहुत सी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट डिफरेंट होता है, जैसे एनईडी हो, नस्ट हो, मेरान हो, जीआईकेआई हो, इनके टेस्ट के अंदर फिजिक्स का पोर्शन आता है। बट अगर आप आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप लंग्स में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप फास्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आता, तो उन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेनी बेटा, सही है ना? उन बच्चों की फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होगी। बट अगर आप फास्ट को टारगेट कर रहे हैं और साथ में नस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिजिक्स और कंप्यूटर लेना कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा। तो भाई सैटरडे और संडे वाले दिन सुबह के औकात के अंदर ये 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, 9 से 11 केमिस्ट्री, 11:30 से 1 फिजिक्स आ गई। देखो सैटरडे वाले दिन सुबह के औकात के अंदर, सैटरडे और संडे वाले दिन सुबह के औकात के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, अब देखो सैटरडे वाले दिन बहुत से कॉलेजेस ओपन होते हैं, या सैटरडे वाले दिन बहुत से कोचिंग सेंटर्स ओपन होते हैं शाम के औकात के अंदर, तो इसीलिए दोपहर के अंदर हम लोगों ने क्लास नहीं रखी मैक्सिमम बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोचिंग जाना है 3 बजे से लेके शाम 9 बजे तक। मेरे पास तमाम कोचिंग सेंटर्स के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए होते हैं, मुझे पता है। तो इसीलिए सिर्फ सैटरडे वाले दिन हम लोगों ने जो मैथ्स की क्लास रखी होती है वो 9:30 से लेके 11 बजे के दरमियान पे होती है, 9:30 से 11:15 तक की क्लास होती है सैटरडे वाले दिन, क्योंकि भाई दोपहर के औकात के अंदर, शाम के औकात के अंदर मैक्सिमम बच्चों का कोचिंग सेंटर होता है। फिर संडे वाले दिन क्या होता है भाई? संडे वाले दिन हमारे पास एक तो सुबह केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास होती है केमिस्ट्री की बजाय। अब बहुत से बच्चे जो केमिस्ट्री जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स में पढ़ा होता है उनकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, बहुत से बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ा हुआ होता है उनकी कंप्यूटर की क्लास होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने जो है ना इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी थी, बट मैंने कल को एनईडी के अंदर या नस के अंदर कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो सर क्या मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा केमिस्ट्री पढ़ूंगा? रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर इंटरमीडिएट ए लेवल्स। तो भाई अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपके एप्टीट्यूड के कोर्स में भी केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, आपकी चॉइस नहीं होती। बड़े डांडिया का खेल नहीं चल रहा कि आपकी चॉइस है कौन से वाले डांडों से आपने खेलना है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी थी तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर का पोर्शन होगा। तो संडे वाले दिन सुबह के औकात के अंदर जो केमिस्ट्री क्लास होती है उसके बजाय कंप्यूटर की क्लास होती है, सही है। संडे वाले दिन फिर दोपहर में क्योंकि सारे बच्चे अवेलेबल होते हैं तो हमारे पास 3:30 से यानी कि 3:30 से लेके तकरीबन 5 o'clock तक की हमारे पास आईबीए की और लम्स की इंग्लिश की क्लास होती है। हमारे पास तकरीबन 3:30 to 4:30, 3:30 to 5 p.m. के ऊपर हमारे पास आईबीए की, लम्स की इंग्लिश की क्लास हो रही होती है।
देन हमारे पास साथ ही 4 o'clock से लेके 6 o'clock के दरमियान में ईकेट इंग्लिश की क्लास हो रही होती है, या 5 o'clock से लेके हमारे पास तकरीबन 6 o'clock के दरमियान में ईकेट इंग्लिश की क्लास हो रही होती है, और अगेन बाकी रात के अंदर वही टाइमिंग होती है मैथ्स की क्लास की 9:30 to 11 की। तो इस तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है। अगेन ये मैंने आपको एक रफ स्केड्यूल बनाकर दिखाया बेटा बोर्ड के ऊपर, आपको डिटेल जो शेड्यूल होगा ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप गो थ्रू करिएगा, शेड्यूल के नाम से मैंने पीडीएफ फाइल को अपलोड करा हुआ होगा, उसको वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, सही है। इसके अलावा मंडे वाले दिन रात में 9:30 से लेकर 10:30 के दरमियान में मैथ्स की डाउट क्लास होती है, ट्यूसडे वाले दिन केमिस्ट्री की डाउट क्लास होती है रात में, जब सारे बच्चे कोचिंग से वापस आ जाते हैं उस वक्त हम रात के अंदर बच्चों की डाउट क्लास रखते हैं ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। सेम गोज फॉर दी वेनेसडे। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास किसी टीचर को लेनी होती है, मुझे अगर कभी लगता है कि मुझे कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, मुझे कोई बेसिक मैथ्स का टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर मैं फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन 9:30 to 10:30 के ऊपर एक क्लास अपनी कंडक्ट कर लेता हूं। मगर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चों को हम 24 आवर्स पहले बता रहे होते हैं कि बेटा मैं कल या 2 दिन के बाद एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। तो भाई ये रफ शेड्यूल मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। याद रखिएगा, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, कॉमसेट की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, एमडीकेट की कर रहे हो, एकेयू की कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी करवाते हैं आपको, हम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो तो नस के अंदर आपका सिलेबस के अंदर क्या होगा बेटा, मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होगी, इंग्लिश और आईक्यू होगा। वेल फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडवांस मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश है और आपके पास आईक्यू का पोर्शन आ रहा है। आईबीए के अंदर मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, देन इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है। सही है ना बेटा, ये कुछ बेसिक बातें, सारी बातें हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास कंडक्ट करवाई जाती है, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है, अक्सर बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं सर कोई डेमो लेक्चर बताइए, डेमो लेक्चर कौन सा आपका? तो भाई मेरा तो पूरा काम ही डेमो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो भाई किसी बेकार कोचिंग सेंटर की तरह कोई फिजिकल लोकेशन के ऊपर बैठा हुआ थोड़ी हूं कि मैंने तो कोई 2-3 लाख रुपए की, 10-50 लाख रुपए की मैंने कोई जगह परचेस कर ली या जगह किराए पे ले ली और फिर मैंने बोला कि मेरे टीचर्स बैठ के पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने तो अपना ब्रांड ही यूट्यूब के थ्रू बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्रांड को बनाने में बड़ी मेहनत लगी मेरी। तो मैं तो हमेशा बच्चों से ओपन चैलेंज देता हूं, मैं आपसे कहता हूं यार अगर आपको मुझसे पढ़ने का शौक है, जिंदगी में कोई टॉपिक अगर समझ में ना आया हो, जिंदगी में किसी मैथ्स के टॉपिक में मसला हो, तो भाई सिंपल जाओ यूट्यूब पर जाके लिखो लेट सपोज इंटीग्रेशन बाय सर हाशिम ज़िया, आपको टॉपिक मिल जाएगा, मेरी कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको 10 मिनट देखो, अगर आपको मेरी बात आपके दिल में उतरती है, अगर मेरा अंदाजे गुफ्तगू आपके दिल में उतरता है, तो यू आर मोर देन वेलकम इन माय बैच, अदरवाइज यू डोंट नीड टू इवन मैसेज मी यार। मैं हमेशा बच्चों से बात कहता हूं, अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं डेमो बताइए, तो बेटा देखो डेमो वहां पर होता है जब बच्चे को ये ना बताओ कि टीचर कौन है। अगर आप देखना चाहते हो मैं कैसा पढ़ाता हूं, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने जिंदगी में क्या किया है, तो मेरे तो चैनल सारे ओपन है ना, इंस्टाग्राम भी मेरा ओपन है, मेरा फेसबुक भी ओपन है, आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यह देखना है कि मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या है, तो भाई मेरा तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, मेरा इस यूट्यूब के ऊपर बेटा बड़ी मेहनत है, बड़ी एफर्ट्स है। तो आपको जिंदगी में कोई मैथ्स का टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हुआ, उसको गो थ्रू करो, उसके ऊपर जाइए, जाने के बाद उसको कंप्लीटली वहां से समझिए, अगर बात पल्ले पड़ती है, अगर मेरा अंदाज आपके दिल में उतरता है, तो यू आर मोर देन वेलकम इन माय बैचेस। भाई किसका वेट कर रहे हो फिर? फॉर एग्जाम्पल जो प्री मेडिकल का बच्चा है, जो नस के सीएस में जाना चाह रहा है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए भाई किसके पास आओगे? सर हाशिम के पास ही आओगे, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? सर वो आपने इतनी सारी बातें करी हैं तो जरूर आपकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी, सर आप भी जो है ना बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होंगे, सर आप अगर पूरा 1 साल हमें पढ़ाएंगे, सर यानी कि हम अगर फरवरी तक आपके पास कोर्स कवर हो रहा है, उसके बाद सितंबर तक हमारे टेस्ट भी लेंगे, लाइव क्लासेस भी दे रहे होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे होंगे, सर आपकी फीस कोई 40-50 हजार रुपए तो होगी। नहीं भाई, मैं किसी घटिया कोचिंग सेंटर की तरह नहीं पढ़ाता, आपकी जो कंप्लीट कोर्स की फीस है, कंप्लीट कोर्स की फीस है 7,000 रुपीज है बेटा, ये पूरे कोर्स की फीस है। आई होप आप चौंक जाओगे बेटा, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो आप में से कोई ढंग का बच्चा होगा उसको जहन में आ रहा होगा, सर वो फलाना कोचिंग सेंटर तो 60,000 रुपए मांग रहा था हमसे और वो तो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड भी नहीं कर रहा था, आप तो इतना सब कुछ प्रोवाइड भी कर रहे हैं फिर भी इतनी कम फीस। तो बेटा उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई हमारी सप्लाई चेन हमसे कहती है कि भाई मोर देन इनफ है बच्चे से 7,000 रुपीज लेना, इससे ज्यादा मुझे चाहिए ना मुझे इससे कम चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। द पॉइंट इज दैट कि हमने एक मिनिमम टारगेट को फिक्सअप किया हुआ है, वो मिनिमम टारगेट ये ताकि मेरे पास हर किस्म का बच्चा, हर तबके का बच्चा आ सके और अपनी जिंदगी के अंदर जाके एक्सेल कर सके। मेरा मानना ये कि तालीम हर बच्चे को मिलनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए फीस इतनी कम रखी हुई है जो कि नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कोचिंग की एक महीने की फीस होती है। इस फीस के अंदर आपको पूरे साल लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको कवर अप करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मटेरियल भी दे रहे हैं, टेस्ट सेशंस भी दे रहे हैं, टेस्ट भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस मटेरियल, जिस प्रैक्टिस मटेरियल को बनवाने के लिए मेरी कॉस्ट लाखों रुपए की आती है ना, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स को बेकार है, जाके किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पूछेगा हाशिम जिया कौन है, जाके किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पूछेगा बिलाल जिया कौन है। बेटा इंस्टीट्यूट वालों की जो है ना फिजिक्स की किताबें से बिलाल ने लिखी हुई है, मतलब एक कराची का इंस्टीट्यूट है उसके भी आप किताब उठा के देखोगे ना, उन्होंने मैथ्स की किताब से पहले लिखा हुआ है किसने बनाई है, कंप्यूटर की किताब से पहले लिखा हुआ है किसने बनाई है, केमिस्ट्री की किताब से पहले लिखा हुआ है किसने बनाई है, फिजिक्स की किताब से पहले उन्होंने पेज ही फाड़ दिया, वो पेज गायब कर दिया, वो सर बिलाल जिया ने बनाई है। मैं नाम नहीं लेता कौन है, जाने देते हैं, मगर एक जहन में रखिएगा, अगर कभी वो किताब मिले ना जरूर देखिएगा, आप फिजिक्स की किताब से पहले उठाएंगे तो वहां पे नेम गायब होगा, क्योंकि उनकी किताब से बिलाल जिया ने बनाई थी। सही है ना बेटा? तो एक चीज जहन में रखिएगा, आप किसी के पास भी जा रहे हैं ये जहन में रखिए कि भाई आपको कौन बेहतर क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन एक्सपीरियंस वाला है, कौन उस तमाम चीजों को समझता है जो कि नॉर्मली टीचर नहीं समझता। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि बेटा आई एम नॉट अ बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स जिसने जिंदगी में सिर्फ मैथ्स पढ़ाओ, नहीं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज ही चाहूं जिस कंट्री में जाऊंगा कि मास्टर्स कर सकता हूं, मगर मैं बहुत सारी चीजें अपने साथ साथ बच्चों को बताना चाहता हूं, मैं इस कॉम के बच्चों को बहुत सी चीजें एजुकेट करना चाहता हूं जो कि बहुत से लोग नहीं कर रहे। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चों को बता सकूं कि भाई कहां पे हमारे मुल्क के बच्चे लैक आउट कर रहे हैं, कहां पे हमारे मुल्क के बच्चे वो चीज नहीं कर पा रहे उन्हें करनी चाहिए। ये छोटी सी बात मैं इसलिए सिर्फ करूं ताकि समझ में आए। तो खैर, कहने का मकसद ये कि जो फीस हमारी बेटा 7000 रुपीस है, इस फीस के अंदर हर चीज कवर होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे विद पास पेपर्स, और स्पेसिफिकली जब पास पेपर्स की बात आ गई तो भाई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब सर हाशिम है तो मैराथन है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं आपको मैराथन कवर करवाऊंगा, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके पहले मैं इंशाल्लाह उसके लेक्चर बेस आपके लिए डाल रहा। तो भाई फीस जमा करवाने का तरीकेकार क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, बेटा सिंपल तरीके से मेरा नंबर है 03032785025। इस पर कॉल मत करना भाई, कॉल करोगे एडमिन का बंदा बैठा हुआ होगा, आपका किसी काम का नहीं है। सही है ना? ये मैं समझना कि सर हाशिम बैठे होंगे, बेटा मेरे पास बहुत कॉल आती थी, उसने मेरा नंबर को एक्टिव नहीं रख रहा होता, यानी कि कॉल के लिए। सही है ना? हाँ, इसका व्हाट्सएप मेरी टीम के पास और मेरे पास ही होता है। आपने करना क्या है, आप जैस कैश करवा सकते हो, इजी पैसा करवा सकते हो, सदा पे करवा सकते हो, नया पे करवा सकते हो, रास्ट करवा सकते हो, रास्ट। सही है ना? तो आपने सिंपल इस नंबर के ऊपर 7000 रुपीस की जो फीस है वो आपने जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, रास्त करनी है। सही है ना? और पेमेंट जब कर दो, करने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, जब आपने पेमेंट सेंड कर दी तो पेमेंट सेंड करने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा और साथ साथ जो एसएमएस आएगा ऑफिशियल नंबर से, अगर आप जैस कैश से करोगे तो मेरे ख्याल में 8448 से आता है, इजी पैसा से 377 से आता है, या फिर इजी पैसा अगर एप्लीकेशन से करोगे तो रेसिप्ट की जो पिक्चर होगी ना, रेसिप्ट की पिक्चर, वो रेसिप्ट की पिक्चर आपने इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज, बैच, ईकेट का है, एमडीकेट का है, नेट का है, उसके साथ अलॉन्ग विद द एसएमएस एंड रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट, मिजान से ट्रांसफर कर रहे हो, यूबीएल से कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, रेसिप्ट की पिक्चर लाजमी भेजनी है, जिसमें क्लियरली मेंशन हो किस अकाउंट से पेमेंट गई है, किसके अकाउंट में पेमेंट गई है, कितने बजे गई है, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर क्या है, वो तमाम बातें क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए। आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर के ऊपर जिसपे आप पेमेंट कर रहे हो ना, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। या फिर मैं आपको अपनी टीम का अकाउंट नंबर बता देता हूं, अगर किसी वजह से इस नंबर से आपको फॉरन रिस्पॉन्स ना मिले, वरना वैसे 24 आवर्स का टाइम होता है, विदिन 24 आवर्स के ऊपर मेरी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर रही होगी, विदिन 24 आवर्स के अंदर, अगर विदिन 24 आवर्स के अंदर आप ऐड नहीं होते तो मैं आपको एक और नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं, और वो नंबर है 03120298486। अगर मेरी टीम ने आपको विदिन 24 आवर्स के ऊपर ऐड नहीं करा तो आप इस नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप पर कर सकते हो, कोई मसले की बात ये नहीं कि डायरेक्टली कर दो उसके ऊपर, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि भाई आपने इस नंबर के ऊपर ही जैस कैश, इजी पैसे, सदा पे, नया पे करना है या रास्त करना है, उसके बाद इसी नंबर के ऊपर आपने नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज, और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट की रसीद होगी विद एसएमएस जिसमें क्लियरली मेंशन हो किसके अकाउंट से पेमेंट आई है, किसके अकाउंट पे गई है, कितने बजे गई है, तमाम बातें मेंशन होनी चाहिए यहां पे। सही है ना? या फिर अगर आप बैंक पे करना चाह रहे हो तो मेरा मिजान बैंक का अकाउंट अवेलेबल है, सदा बहार अकाउंट है भाई, मिजान बैंक पेमेंट कर सकते हो। मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई तुम्हारे पास जैस कैश, इजी पैसे, सदा पैसे, नया पैसे बहुत बेहतर है, आप डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दो, बैंक की पेमेंट ज्यादा सिक्योर होती है, ज्यादा आसान होती है, ज्यादा मजे की होती है। सबसे आसान तरीका क्या है, डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दो, 013001051973, सिंपल से मेरा मिजान का अकाउंट है, इसमें पेमेंट कर सकते हो।
याद रखिएगा पेमेंट करने के विदिन 24 आवर्स के ऊपर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही होंगी। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जिसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये है कि भाई पेमेंट के बाद मैंने तरीकेकार आपको बता दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर वो हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, सर वो बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप कैसे पेमेंट भेजें आपको? तो भाई फिर भी पेमेंट बहुत आसानी से भेज सकते हो। भाई पेमेंट भेजने के लिए आप किसी भी मोबाइल शॉप पे चले जाओ, किसी भी मोबाइल शॉप पे आप चले जाओ, कोई भी मोबाइल शॉप आपके इलाके के अंदर होगी, उसको जाके बोलो कि इस नंबर के ऊपर मुझे जैस कैश करना है या इजी पैसा करना है। वो जब पेमेंट कर दे, पेमेंट करने के बाद जो उसके पास ऑफिशियल SMS आएगा उसकी पिक्चर लाजमी लेनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिंपल मेरा पिक्चर लेकर आ जाते हैं, 7,000 rupees इज ट्रांसफर्ड। बेटा दिन में 36,000 पिक्चर मेरे पास ये आती है, मैं इसके ऊपर ऐड नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा, कंप्लीट SMS की पिक्चर ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें TRS ID लिखी हो, TID लिखी हुई हो, ट्रांजेक्शन ID नंबर जिसको हम कहते हैं, सही है, ट्रांजेक्शन डिटेल जिसको हम कहते हैं, उसमें लिखी हुई हो। तो आप अगर किसी शॉप से जाके भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद जो SMS आएगा, SMS की कंप्लीट आपने पिक्चर लेनी है, जिसमें लिखा हुआ किस अकाउंट से पेमेंट आई है, किसके अकाउंट में पेमेंट गई है, कितने बजे गई है, सो ऑन, सही है ना। मिजान के ऊपर आप चाहो तो बैंक जाके भी पेमेंट कर सकते हो। मिजान की किसी भी ब्रांच में चले जाओ पूरे पाकिस्तान के अंदर, मिजान की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, डिपॉजिटर स्लिप के ऊपर जाके नंबर लिखो और सिंपल जो अकाउंट उसके रिसेप्शन के ऊपर बंदा बैठा हुआ होगा उसको बोलिएगा मुझे इस अकाउंट के ऊपर पेमेंट भेजनी है, वो आपको तरीकेकार बता देगा, सही है ना। ये काम भी कर सकते हो। तो आई होप यहां तक की तमाम बातें तमाम बच्चों को क्लियर होंगी। सो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू सून इन माय बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th ऑफ अक्टूबर। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।